लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा, वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के घर संसार स्थित कार्यालय पर पूर्व विधायक त्रिलोकी राम दिवाकर हुए मीडिया से रूबरू। जी हां, बताया पूरे प्रदेश में 6 फरवरी से कांग्रेस चला रही है किसान जन जागरण अभियान। कहा आज फिरोजाबाद में हुई है शुरुआत, 5 चरणों में होगा संपन्न अभियान। फिरोजाबाद कांग्रेस के घर संसार स्थित जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक त्रिलोकी राम दिवाकर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 6 फरवरी से कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है और आज जनपद फिरोजाबाद में इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जो 5 चरणों में संपन्न होगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी ने बताया कि इस अभियान में पूरे प्रदेश में 25,000 कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क करेंगे, 2,72,00,000 लोगों से संवाद करेंगे, 55,00,000 किसान परिवारों से सीधा संपर्क करेंगे। अभियान के तहत 1200 नुक्कड़ सभाएं होंगी, 900 प्रेस वार्ता होंगी, 800 धरने प्रदर्शन होंगे। यूपी का हर 5वां ग्रामीण परिवार इस अभियान का हिस्सा होगा। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। गवर्नमेंट तो है ही, इस समय गलत ही है, जो काम करेंगे गवर्नमेंट को बुरा लगेगा, अच्छा ही काम कर रहे हैं। जैसा जरा जी ने बताया अभी आपको, जो सारा बताया है, इसमें हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों से ब्लॉक में मिलेंगे, फार्म जाएंगे, वो सारा भरेंगे, तो एक क्षेत्र जागेगी किसान के अंदर कि कोई पार्टी है तो हमारा सोच रही है। ये कांग्रेस पार्टी है जो केवल किसानों के बारे में सोचती है और बीजेपी ने नाश कर दिया कांग्रेस का किसान का। ये मुहिम आपकी कब से चालू हुई? अभी जैसा बताया, अभी 6 तारीख से मीटिंग हुई है, 6 फरवरी से प्रदेश अध्यक्ष ने शुरू किया और 8 तारीख से आज से प्रत्येक जनपद में। क्या नाम? बहुत ही सही चमत्कारी काम हो रहा है ये, और हमारे राहुल जी तो बताइए कि हमेशा किसानों के लिए लड़ते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं। बहन प्रियंका जी भी किसानों के लिए लड़ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा त्रिलोकी राम दिवाकर, पूर्व विधायक इलास। ठीक ठीक। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी द्वारा 6 फरवरी को लखनऊ में इस किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई थी, उन्हीं के निर्देश पर आज 8 तारीख से प्रत्येक जनपद में इस किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता, जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के घरों में, तकरीबन 20,000 किसानों के घरों में जाएंगे इन 40 दिन के अभियान में, और डोर टू डोर जाकर उनसे उनकी समस्या पूछेंगे। बीच बीच में आके नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। तहसील दिवस पर उनकी समस्या जो है उसको रखा जाएगा अधिकारियों के सामने, जिससे उसका निवारण हो सके। और आगे चल के जिस तरह से ये जो किसानों की समस्या है, जिस तरह से किसान आज आवारा पशुओं से परेशान है, देख रहे हैं आप, रोज उनके संग कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। किसान पराली की समस्या से परेशान है, उसको उसके गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, उसको किसानों उसको गन्ने का उसका समर्थन मूल्य नहीं हो रहा, उसका बकाया भुगतान नहीं हो रहा उसे, और उसकी वजह से वो आत्महत्या करने को मजबूर है। इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो है हमारा अन्नदाता, जो धरती का सीना फाड़ कर गया उसमें से अन्न हम लोगों के लिए पैदा करता है।